ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बोलो एक है केमिकल दूसरा बोलो फिजिकल वॉट फिजिकल ये स्ट्रांग है या वीक है स्ट्रांग ये वीक चेंजेस के दो टाइप्स है कौन से कौन से एक केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज बोलो फिजिकल चेंज अब आपको बताना है यह प्रॉपर्टी किसकी है टेम्प्ररी चेंज कौन सा होता है फिजिकल कंपोजिशन चेंज किस में होगा केमिकल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट केमिकल न्यू सब्सटेंस फॉर्मड केमिकल ओके okay. फेज चेंज और स्टेट चेंज इज फिजिकल चेंज व्हाट फिजिकल चेंज अब यहां पे आपको बताना है अलग अलग प्रोसेस के लिए नाम fusion. क्या है सॉलिड टू लिक्विड बोलो फ्यूजन क्या फ्यूजन या फिर मेल्टिंग लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन क्या इवेपोरेशन गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन बोलो कंडेंसेशन लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग बोलो फ्रीजिंग और सॉलिड टू लिक्विड सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड डिस्पोजिशन ये सॉलिड टू गैस है अब इन चेंजेस को देख के आपको बताना है केमिकल है या फिजिकल चलो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस टू वाटर फिजिकल कुकिंग ऑफ फूड केमिकल राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल मिल्क टू करड केमिकल इप्रेशन फिजिकल डाइजेशन केमिकल साइज रिडक्शन ऑफ नेप्ताबॉल्स फिजिकल स्टेनिंग ऑफ दिस शाहबादी और कटप्पा टाइल केमिकल ना चलो केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन सबने बोले कमॉन द प्रोसेस इन विच Some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bonds is called chemical reaction. Uske baad, Reactants Bolo. The substances taking part in chemical reactions are called reactants. Products bolo, the substances formed as a result of chemical reactions. By formation of new bonds are called products. Chemical reaction one more time. Come on. The process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bonds is called chemical reaction. Okay, jo hai, isko kaisa equation bolte hai? Word equation kya word equation. अब केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन साथ में कमा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस्ड फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन वन मोर टाइम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन चलो अब यहां पर बताओ ये कौन है रिएक्टेंट्स ये बोलो क्या प्रोडक्ट्स इसके ऊपर क्या लिखते हैं रिएक्शन कंडीशंस क्या बोलो रिएक्शन कंडीशंस ओके अब इनके मीनिंग्स बताने हैं यस yes, मतलब सॉलिड लिक्विड जी गैस ए क्यू एक्वे कमॉन साथ में ये बोलो इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट क्या बोलो इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट ये बोलो गैस प्रोडक्ट ये हीट इसका मतलब कॉन्सनट्रेटेड इसका मतलब डाइल्यूट इसका मतलब क्या है हीट रिलीज क्या बोलो हीट रिलीज और ये निकेल क्या है कैटलिस्ट अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विथ मी ऑन in chemical reaction the total mass of each element in reactants is same as total mass of each respective element in product one more time in any chemical reaction the total mass of each element in the reactants is same as the total mass of each respective elements in the product okay, while balancing a chemical reaction we can change coefficients क्या कोफिशियंट एंड वी कैनॉट चेंज केमिकल फॉर्मूले वॉट केमिकल फॉर्मूले ओके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलना है साथ में ऑन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फाइनल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन कब हो साथ में वेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट देन रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन वन मोर टाइम वेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट देन रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब और एक्सोथर्मिक में रिलीज क्या बोलो रिलीज ओके सेकंड डिकम्पोजिशन के डिफिनेशन साथ में कमा द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन मोर टाइम द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कम ऑन ये बोलो डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस क्या इलेक्ट्रोलाइसिस नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन कम ऑन द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनादर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर टाइम द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ आयन ऑफ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनादर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आय इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें बोलो कौन डिसप्लेस हुआ है ए जी किसने किया सोडियम तो मोर रिएक्टिव कौन है Sodium, cone, sodium. Okay, up double displacement reaction definition. Come on. The reaction where a precipitate is formed by exchange of ions between the reactants are called as double displacement reactions. One more time. The reaction where a precipitate is formed by exchange of ions between the reactants are called as double displacement reactions. स्लो रिएक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम फास्ट रिएक्शन टेक्स शॉर्ट टाइम ओके कम ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन सभी ने बोलने नंबर वन नेचर ऑफ रिएजेंट्स नंबर टू द पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स थर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फोर्थ टेम्परेचर फिफ्थ कैटलिस्ट अब बोलना है डायरेक्ट या इनवर्स ये बोलो इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन बोलो डायरेक्ट और टेम्परेचर डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के डेफिनेशन कमॉन साथ में द सब्स्टन्स कमॉन द सब्स्टन्स इनहूज प्रजेंस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू ईट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट वन मोर टाइम सबस्टन्स इन हुज प्रजेंट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट ओके अब आपको यहां पर देख के बोलना है कि इसका मीनिंग क्या होता है चलो बोलो गेन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वॉट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑक्सीडेशन एंड वॉट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन चार्ज रिडक्शन राइट अब रिएक्शन को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन दिस वन रिडक्शन ये वाली रिडक्शन दिस वन ऑक्सीडेशन करेक्ट उसके बाद है ये वाली रिडक्शन दिस वन ऑक्सीडेशन एंड दिस वन ऑक्सीडेशन ओके ऑक्सीडेशन इज अपोजिट ऑफ रिडक्शन चलो अब Fe से इधर और इधर ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है ऑक्सीडेशन एंड अपोजिट इज रिडक्शन व्हाट इज द चार्ज ऑन Fe? टू प्लस हेयर थ्री प्लस ओके अब डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ मी सभी ने बोले कौन द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन वन मोर टाइम द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसके बाद है अभी ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन सभी ने बोलने साथ में केमिकल सबस्टंस विच ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स

पोटेशियम पर मैंगनेट इसका नाम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दिस इज ओजोन एंड देर इज ऑल्सो नसेंट ऑक्सीजन नाउ डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन सात बोलो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएट गेंस हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिडक्शन वन मोर टाइम The chemical reaction in which reactant gains hydrogen or loses oxygen to form product is called as reduction. Or below the gain of one or more electrons is called reduction. Uske baad the redox reaction below when the oxidation and reduction reaction occur simultaneously, it is called as redox reaction. Okay. चलो ये बोलो इस रिएक्शन को देखिए इसका क्या हो रहा है रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन तो फिर ये कौन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट अब ये बोलो रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन क्या बोलो ऑक्सीडेशन and oxidizing agent undergoes reduction okay definition of corrosion come on the slow process of decay or destruction of metal due to effect of air moisture and acid is known as corrosion one more time the slow process of decay or destruction of metal due to effect of air moisture and acid ज नोन एज करोजन कॉमन केमिकल फॉर्मुलस्ट बोलो एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ बोले एक बार एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओके अब यहां पर देख के बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब को यह अप्लाई होता है कलर चेंज चलिए वेरी स्मॉल कलर चेंज वन स्मॉल कलर चेंज थ्री वेरी लार्ज कलर चेंज टू नो कलर चेंज फोर सो कंक्लूजन बोलो ऑक्सीजन एंड वॉटर इज इसशियल फॉर रस्टिंग एंड साल्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रस्टिंग नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ करोजन में बोलो चलो एफ ई से क्या फॉर्म होता है पहले एफ ई टू प्लस इससे एफ ई थ्री प्लस और फाइनली बोलो एफ ई टू ओ थ्री डॉट एच टू ओ वॉट इज द कलर ऑफ दिस थिंग रेड या फिर रेडिश और क्या बोलते हैं इसको रस्ट क्या बोलेंगे रस्ट यफी ये, फी, ये फी टू प्लस यफी थ्री प्लस एंड देन रस्ट तो यहां पे आपको पता है कि एनोड पे यफी का ऑक्सीडेशन होकर होता है ये टू प्लस माइग्रेट होता है कैथोड की तरफ और यफी थ्री प्लस फॉर्म होगा जबकि कैथोड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होके वाटर फॉर्म होगा और ये वाटर फाइनलीफी थ्री प्लस के साथ कंबाइन होकर रस्ट बनाएगा ओके अब नाउ प्रिवेंशन ऑफ करोजन नंबर वन बोलो यूज ऑफ एंटी रस्ट सोलूशन दूसरा क्या है बोलो पेंटिंग वॉट पेंटिंग तीसरा बोलो गैलवनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैलवनाइजेशन इज द लेयर बाय जिंक चलो अब रेंसिडिटी the process of change of smell and taste of oils and fats due to oxidation when kept for long time is called rancidity one more time the process of change of smell and taste of oils and fats due to oxidation when kept for long time is called rancidity now the prevention of rancidity यूज ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या बोलो एंटी ऑक्सीडेंट्स और एयरटाइट कंटेनर ओके